आपने मुझे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2018 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, 6 जून 2018 के अध्यादेश के अनुरूप यह प्रस्ताव आया है और इसके अंतर्गत धारा 5 के खंड 8 और धारा 10 और धारा 14 को संशोधित कर कानून को सुगम और स्पष्ट बनाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। एक नई धारा 12 का को जोड़ा जा रहा है, इससे कोई आवेदन वापस लेने की अनुमति दिया जाएगा। जहां तक कुछ सदस्यों की आशंका है, चाहे मोहली साहब हों, प्रेमचंद जी हों, बहुत लोगों ने आशंका जाहिर किया कि इस बिल से कुछ लोगों को फायदा उठाया जा रहा है, कुछ लोगों के लिए यह बिल लाया जा रहा है। अभी जयप्रकाश जी भी बोल रहे थे, ये लोग चाहते हैं, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में तो हमको याद है पिछला बार कि कई तरह के घोटाले रोज आते थे लेकिन कोई कानून नहीं बनाया जाता था। जब संशोधन कोई कानून लाया जा रहा है कि गरीबों का पैसा जो वापस आ जाए, कैसे आएगा? बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिल्डर मकान लेने के नाम पर पैसा लेते थे और वो 5 साल 10 साल मकान बनाकर लोगों को नहीं देते थे, उसके लिए यह बिल लाया जा रहा है। न कि अभी हमारे साथी बता रहे थे जयप्रकाश जी, तो उस बिल का समर्थन हम लोग करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो हमने देखा है कि लगातार पैसे का कई तरह का घोटाला किया गया लेकिन कोई बिल ला करके उसको सुधार करने का प्रयास नहीं किया, मैं इस बिल को समर्थन करता हूँ। एक मेरा छोटा सुझाव होगा, मेरा सुझाव है कि ईमानदार कर्ज देनदारों को अगर मौका मांगा जा रहा है तो उस पर भी विचार करने का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही बैंकों ने भी कई धांधली किए हैं, इसके लिए बैंकों को भी दंडित किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जगदाम्बी कपाल, ओनली 3 मिनट्स ब्रीफली हैव टू स्पीक, प्लीज गो टू रिप्लाई। 3 मिनट्स टू टेक। I have been told that you have been given for 10 minutes, so I will be thank you. 10 minutes, no. 5 minutes.